देखिए शनिवार को 50-50 में पांच बड़ी खबरें। भोजपुर में एक जिला एक फसल कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए केवीके के सहयोग से सरकार किसानों को प्रशिक्षण से लेकर हर संभव सहायता देगी। इसके तहत मटर छेमी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जिले के बढ़हरा प्रखंड की मटर छेमी से पटना से लेकर झारखंड व यूपी तक के बाजार सजते हैं। किसानों को अधिक मुनाफा का लाभ देने के लिए सरकार बाजार भी उपलब्ध कराएगी। इसे लेकर केवीके आरा में शुक्रवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की गई। इसमें कई निर्णय लिए गए। इस दौरान किसानों को कई नई जानकारियां भी दी गई। बढ़हरा प्रखंड के 46 गांवों के 700 हेक्टेयर भूमि में मटर छेमी की खेती की जाती है। इससे किसान अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। FPO के निदेशक कौशल सिंह ने बताया कि आज भोजपुर की मटर छेमी पटना से लेकर रांची एवं यूपी के बाजारों की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। मदर डेयरी के कार्यक्रम से सुदूर इलाकों में भी इसका विपणन किया जा रहा है। करते हैं दूसरी खबर की ओर। टाउन थाना क्षेत्र के धरहरा जमीरा रोड निवासी होमगार्ड जवान की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह आरा सदर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक जवान धरहरा जमीरा रोड निवासी 58 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे। वो पिछले 4 माह से लीवर कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज पटना के निजी नर्सिंग होम में हो रहा था। कुछ दिन पूर्व उन्हें आरा सदर लाया गया था। गुरुवार की रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां शुक्रवार की अगले सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार में पत्नी और इकलौती पुत्री है। रुख करते हैं तीसरी खबर की ओर। भोजपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चवरिया गांव के समीप 2 माह पूर्व युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव निवासी विक्रांत उर्फ रोहित है। पुलिस के अनुसार उसने हत्याकांड में लाइनर का काम किया था। इस मामले में पुलिस ने नाच पार्टी के संचालक सह मुखिया सहित 3-4 आरोपी पहले ही जेल भेज चुकी है। SP संजय कुमार सिंह ने बताया कि 13 जून 2022 को नाच देखकर लौटने के क्रम में चवरिया गांव के पास पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर नारायणपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद कांड के उद्भेदन के लिए पीरो SDPO राहुल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा तकनीकी व मानवीय सूचना के जरिए घटना में संलिप्त आरोपित विक्रांत कुमार और रोहित को गिरफ्तार कर दिया गया। करते हैं चौथी खबर की ओर। 27 अगस्त 2021 को महिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा आरा के निजी होटल में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं के हक से लेकर बालिकाओं पर होने वाले मानसिक शारीरिक शोषण को लेकर चिंता जताई गई। इस मौके पर भोजपुर पुलिस कप्तान संजय सिंह और भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को खुलकर घूमने की आज़ादी नहीं मिलती है। कितनी बालिकाओं के शारीरिक शोषण के मामले इसलिए दर्ज नहीं कराए जाते हैं क्योंकि अगर बात फैल जाएगी तो परिवार की बदनामी होगी। महिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा किया गया कार्यक्रम सराहनीय है, लेकिन साथ साथ सबको ये चिंतन जरूर करना चाहिए कि क्या आज भी लड़कियों को लड़कों के बराबर हक सम्मान और शोषण से मुक्ति मिल पा रहा है कि नहीं। रुख करते हैं पांचवी खबर की ओर। शहर के नागरी प्रचारिणी सभागार में शुक्रवार को राजपा की ओर से माता पद्मिनी के आत्म बलिदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल इस अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया है। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ते हुए हमारी माताओं ने अपने सम्मान के लिए जौहर की है, तब जाकर आज ये देश बचा है। हम अपने पूर्वजों के बलिदान के सम्मान में ये कार्यक्रम अब पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। राणा ने सभी से एक झंडे के नीचे आने का आह्वान किया और अपना घर अपना झंडा का नारा दिया है। अध्यक्षता डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने की व संचालन प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने किया। इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।